हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस समर में मेरे इम्प्रेशंस अभी कैसा है वो ही दिखाने के लिए आई हूँ, और साथ में इस प्लान का कुछ केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए अभी अप्रैल का लास्ट डे चल रहा है आज, और अभी भी देखिए मेरे प्लांट्स में कितने सारे फूल खिल रहे हैं। ये इसका मैं कंप्लीट केयरिंग आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो वैसा करके आप भी केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट्स भी साल भर रह जाएगा। ये देखिए, ये मेरा पिंक वाला जो है, इसमें अभी कुछ दिन से फ्लावरिंग थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से आपको बहुत सारे फूल देगा ये प्लांट। ये ऐसा ही है, कुछ दिन मतलब थोड़ा सा कम हो जाते हैं इस सीज़न में, लेकिन फिर 10-15 दिन के बाद फिर से नया करके बहुत सारे फूलों से एकदम भर जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए, ये वाला मेरा ऑरेंज कलर में है, देखिए, और जो इसका फूल खिल के पुराना हो जाते हैं वो अपने आप इसका फूल गिर जाते हैं, लेकिन उसके पत्ते वगैरह में रहते हैं। आप अगर थोड़ा सा साफ करेंगे तो और अच्छा दिखता है, लेकिन इसका जो पुराना फूल है इसको हमें फेंकने मतलब तोड़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ये अपने आप गिर जाते हैं। और देखिए, ये कुछ मैंने जो मेरा नया इम्पेशंस ख़रीदा था वो सब का ऐसे ही थोड़ा काट के लगा दिया, देखिए ये पॉट में। इसमें मेरा एक जो ड्रेसिना है उस वो प्लांट है इस पॉट में, लेकिन उसी में मैं मेरे नया प्लांट ख़रीदा था 2 महीना पहले, तो वो तीनों रंग का एक एक ब्रांच मैंने ऐसे ही लगा दिया। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, मतलब प्रोपागेशन करना तो बहुत ही इजी है। आप कोई भी ब्रांच लेके जिसमें नोड हो वो वहाँ पे तोड़ के आपको लगाना है। और देखिए, ये फिर यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से खिल जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए, ये है मैंने 2 महीने पहले ये प्लांट को ख़रीदा था, ये तब थोड़ा सा छोटा था, अभी जैसा आपको दिख रहा है इससे उस समय छोटा था, तो बहुत ही अच्छे से है अभी भी। और देखिए, बहुत सारे फूलों से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये प्लांट आप ज़रूर रखिएगा, ये सेमी शेड में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। मैं सेमी शेड में अभी रखा है, जैसे कि अभी समर चल रहा है अगर, तो इसीलिए अभी हमें सेमी शेड में रखना है। धूप थोड़ा सा भी नहीं आने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ब्राइट सनलाइट है वो होना चाहिए तब तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन धूप नहीं चाहिए होता है समर में। और अभी जो इनका फूड है वो भी इतना देने का ज़रूरत नहीं पड़ते है, आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बेहतर है अभी, देखिए। और मैं इसका कंप्लीट केयरिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उस वीडियो में तो आप जाके देख सकते हैं क्या क्या फर्टिलाइज़र हमें देना है। बहुत सारे टाइप का मैंने बोल दिया है उस वीडियो में, तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसा सॉइल मिक्सर सही है। सारे डिटेल्स मैं उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। इनको आप ना जो कोकोपीट थोड़ा सा डालिएगा इसका सॉइल में, बहुत ही अच्छा है, इसको हर वक्त मॉइस्ट रहना अच्छा लगता है। देखिए, ये थोड़ा पर्पल जैसा पिंक है इसका कलर, ये भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है, बहुत सारे फूल है और बहुत सारे रंगों में इसका मिलता है इम्पेशन का। मुझे तो और बहुत सारे कलर में अभी लेना है, मेरे पास 5 वेराइटी का है। हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा है। तो ये तीनों प्लांट्स से मैंने, ये देखिए, ये जो फूल खिल के यहाँ से गिर गया, लेकिन वो फिर बाद में सीड बनेगा वहाँ पे, तो सीड से भी ग्रो करना बहुत ही इजी है। जहाँ पे ये प्लांट रहता है उसके आसपास ऐसे ही इसका बेबी प्लांट हो जाते हैं, सीड से ग्रो होता है, तो सीड जहाँ भी गिरता है वहीं पे फिर नया प्लांट बनते हैं। तो ये प्लांट आप ज़रूर लीजिएगा, अगर आपके घर में आप धूप नहीं आते हैं तो ये ज़रूर लीजिएगा, आपके बैल्कोनी में आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और अभी इस समर में हमें इन प्लांट्स को डायरेक्ट बारिश के पानी के नीचे नहीं रखना है, अब शेड के नीचे रखना है आपको,
जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, लेकिन जब बारिश का थोड़ा हवा में जो पानी आता है वो आने से फिर बहुत ही अच्छा खिल उठता है, मैंने देखा है। तो वैसा बारिश का पानी भी थोड़ा सा आप अगर देंगे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब हवा में जो मिलता है तब अच्छा है, लेकिन एकदम डायरेक्ट बारिश के नीचे आप बहुत देर तक दिन भर रखेंगे तो ऐसे करने से आपका प्लांट ख़राब होने का डर है, फंगस लग जाते हैं इसमें। ये देखिए ये वाला प्लांट में बहुत सारे अभी बाढ़ से भरा हुआ है, फिर 10-15 दिन के बाद ये भी बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। वो भी उसमें भी एक ड्रेसिना का प्लांट है, और ये वाला देखिए बहुत सारे फूल ऐसे ही खिल रहा है मेरे सारे प्लांट्स में। विंटर्स से साल भर इसमें फूल आते हैं ऐसे ही करके, विंटर्स में तो और ज़्यादा खिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं मुझे इतना ही आप लोगों को मेरा इम्प्रेशन को दिखाना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिए, और हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा, और साथ में मेरे इन सारे इम्प्रेशंस के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।